सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। आधुनिकता के दौर में आज हम अपनी परंपराओं को भूल गए हैं। हमारा रहन सहन खान पान आधुनिक हो चुका है और इसी आधुनिक जीवन शैली के कारण कई तरह की बीमारियां भी लोगों को अपनी चपेट में ले रही हैं। आधुनिकता की दौड़ में हर घर की रसोई में आज स्टील और सिल्वर के बर्तनों का महत्व बढ़ता जा रहा है, जबकि हमारे पूर्वजों के समय में मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग होता था। खाना मिट्टी, पीतल, तांबे और कांसे के बर्तनों में खाना बनता था, जो कि सेहत के लिए फायदेमंद भी था। इसका हमारे शरीर पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता था और हमें बीमारियों से बचाता था, लेकिन इनकी जगह अब सिल्वर और स्टील ने ले ली है। स्टील और सिल्वर के बर्तनों में पकाया हुआ खाना कहीं ना कहीं हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है। अब फिर से लोगों का रुझान मिट्टी के बर्तनों की तरफ हो रहा है, क्योंकि बीमारियां घर कर रही हैं और लोग अपनी सेहत के प्रति जागरूक हो रहे हैं। मिट्टी का काम करने वालों ने भी अपने आप को नए जमाने के साथ बदल लिया है। जहां पहले कुम्हार समाज मिट्टी के घड़े और दिवाली के समय मिट्टी के दिए बनाता था, वही आज कुम्हार समाज रसोई में इस्तेमाल होने वाले हर प्रकार के बर्तनों को बना रहा है। उन्होंने अपने पारंपरिक काम को आधुनिक बना लिया है। वहीं मिट्टी के बर्तन लोगों को भी खूब पसंद आ रहे हैं और लोग इनका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। मेरा नाम प्रदीप जी, मैं मालचार साने का स्थायी निवासी हूँ और मैं यहाँ से कई बार गुजरा, कई भाई की दुकान देखी और हम भी नजदीक ही रहते हैं, काम करते हैं। तो इसका जो हेल्थी मिट्टी स्टोर है, ये क्या है, लंबे टाइम तक ये जो बर्तन वगैरह है, ये इनका आयुर्वेदिक भी कारण है, एक आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है। मिट्टी से हमने वैसे ही लास्ट में हम मिट्टी से मिलना ही है हर आदमी को, तो इसमें मिट्टी के बर्तनों से हमारे वो पौष्टिक जो खाना बनाते हैं तो उसमें पौष्टिकता ज्यादा मिलती है, तो ये भी एक इसका छोटा कारण है। इसके अलावा और भी इससे संबंधित बहुत से कारण है जिससे हम छोटे छोटे बर्तनों को अगर हम इससे जोड़ेंगे तो हमारा एक वेल्थ भी बढ़ेगी और हमारा शारीरिक रूप से हेल्थ भी ठीक रहेगी। यही मेन कारण है इनका इस्तेमाल हम करते हैं। और जब भी हमारे को छोटे हमारे घर में छोटी छोटी चीजें, वो ज्यादातर हम मिट्टी के बर्तनों का ही इस्तेमाल करते हैं। मेरा नाम सुनील कुमार है, गांव अरसाना कला है, अरसाना मोड़ रोड तगरोड पे अपनी दुकान है हेल्दी मिट्टी स्टोर के नाम से। मैं पिछले एक साल से इस लाइन में हूँ। हमारे पुश्तैनी काम यही है मिट्टी के बर्तनों का। हमारे पास चम्मच, कप, कटोरी, गिलास, थाली, प्लेट, पानी की बोतल, मटका, टेम्पर, कुकर, कढ़ाई, तवा, मिट्टी का दही पोट, ए टू जेड बर्तन अवेलेबल है। क्या सोच कर ये पहल शुरू की, क्योंकि आज तो लोग इनसे बहुत दूर हो रहे हैं? सर, इसको सोचना तो ये था, आजकल बीमारी बहुत ज्यादा चल रही है। जैसे हम मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते हैं तो 100% पोषक तत्व मिलते हैं। अगर हम कांसे के बर्तन में बनाते थे पहले तो 87% मिलते थे, और पीतल के बर्तन में बनाते हैं तो 85% मिलते हैं, और अगर हम सिल्वर में या प्रेशर कुकर में बनाते तो 10% रह जाते पोषक तत्व। इसी चीज को देखते हुए, बीमारियों को देखते हुए, हमने इस मिट्टी के बर्तन को बनाना शुरू किया और आस्ते आस्ते आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप तो बड़े बहुत पीछे रह गए जी सर, आधुनिकरण को देखते हुए, क्या उसको देखते हुए पहल की शुरुआत भी कह सकते हैं? बिल्कुल सर। क्या क्या लोगों को कितने रेट में दे? अलग अलग है सर, इसमें हर चीज का कम से कम प्राइस है। जैसे कुकर है 900 से 1100 1200 रुपए तक का है, जैसे कप है, कटोरी है, गिलास है, गिलास 2 रुपए से लेकर 30-35 रुपए 40 रुपए तक का गिलास है, जग है 150-200 रुपए का है, केतली है 150-200 रुपए की है, थाली है, इसमें मिट्टी का चूल्हा है, हारी वगैरह, ए टू जेड बर्तन। लोगों को क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से कि वो लोग मिट्टी को भूल गए हैं? क्या संदेश रहेगा फिर भी आपकी तरफ से कि क्या इस्तेमाल करेंगे आज के समय, क्योंकि स्टील में ज्यादा खा रहे हैं? आजकल एक बार यूज करके देखें मिट्टी के बर्तन को और उसके अंदर का अलग ही टेस्ट आएगा।